खबर रायपुर से है, जहां पर आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का आज शुभारंभ होगा। पीएम मोदी परिसर का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा 1090 करोड़ की लागत से बनकर तैयार स्थायी परिसर 400 एकड़ में फैला हुआ है। आईआईटी परिसर में लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम, क्लासरूम की सुविधा, और साथ ही पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को रखी थी आधारशिला। तो परिसर में लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम, क्लासरूम की सुविधा और तमाम तकनीकों से लैस होगा ये। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी और पूरी तरह से अब तैयार है। अब शिक्षा क्षेत्र में और ज्यादा बेहतरी लाने का कार्य लगातार सरकार कर रही है। परिसर में लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम को लेकर भी विशेष तैयारियां। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्य राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सत्य, तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही है और वर्चुअली तौर पर पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, अभी क्या तस्वीरें वहां की? देखिए, प्रधानमंत्री जो है आज सौगात देंगे और जो भिलाई आईआईटी है उसका जो है स्थायी परिसर, यानी कि अब तक के जो है अस्थायी परिसर में संचालित होता रहा है, जिससे कारण रैंकिंग और ये तमाम सुविधाओं से वंचित थे, प्लेसमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जो है स्थायी परिसर मिल गया है। अब उनको राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर जो है व्यवस्था मिलेगी, कहीं ना कहीं रैंकिंग का जो स्तर है उसमें अब शामिल हो पाएंगे। रैंकिंग का स्तर बढ़ने से स्टार बढ़ेगा, स्टार बढ़ने से प्लेसमेंट कंपनी का जो है यहाँ पर आना होगा। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं फ़ायदा अब स्टूडेंट होगा, शिक्षा का स्तर उठेगा। तो आज इसका जो है सौगात प्रधानमंत्री देंगे, वर्चुअल जो है करेंगे, और इस कार्यक्रम के दौरान जो है छत्तीसगढ़ के सीएम और केंद्रीय मंत्री और जो है सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर में जो है लगभग बिल्डिंग तैयार किया गया, लेक्चर हॉल किया गया, सेमिनार, क्लासरूम आदि जो है नए स्तर पर, आधुनिक स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है ये तैयार किया गया है। अगर इसको बात करें तो 400 एकड़ में लगभग जो है परिसर जो है बना है, और इसमें खर्च की बात करें टोटल तो इसमें 1090 करोड़ 18 लाख रुपये जो है स्वीकृत पहले चरण में किया गया था, जो बनकर जो है तैयार है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सशक्त हो रहा है, और डबल इंजन की सरकार है तो इसमें जो है डबल इंजन की सरकार की जो काम होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए सत्य, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी लेते रहेंगे।